सुप्रीम कोर्ट में चार धाम यात्रा का मामला पहुंच चुका है। रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड की सरकार पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी एसएलपी दायर की है। नैनीताल हाई कोर्ट में 7 जुलाई को होनी है मामले की सुनवाई। सरकार ने एक दिन पहले दायर की है एसएलपी। हाई कोर्ट ने 7 जुलाई तक यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, लेकिन साथ में नैनीताल हाईकोर्ट की हम बात करें तो उन्होंने रोक लगा दी थी। उसके बाद सरकार को बड़ा झटका लगा था। कांग्रेस ने इसको लेकर हमला भी किया था, कहा था कि सरकार ने मजबूती के साथ में पक्ष नहीं रखे, पूरी तैयारी के साथ में कोर्ट के सामने तैयारियां नहीं रखी गई, तमाम तरह के कयास लगाए गए, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी यात्रा पर। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 7 जुलाई को इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला उत्तराखंड की सरकार ने ले लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित विक्रम सिंह। रोहित, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में रुक किया है उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर, विस्तार से बताएं। रोहित, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी, रोहित, सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार ने रुख किया है चार धाम यात्रा को लेकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो रोक लगा रखी थी चार धाम यात्रा को लेकर, और 7 जुलाई तक कोर्ट ने रोक लगाई थी, और सीएम पुष्कर सिंह राजपोषी के बाद पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रयास यही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास सरकार अब करना चाहती है। बहुत सारा नुकसान हो चुका है सरकार का, और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड में तमाम निवेश होने हैं और तमाम जो इन्वेस्टमेंट होने हैं, चाहे वो टूरिज्म को लेकर पर्यटन को लेकर, ये किसी तरह से बाधित हो। और यहाँ पर मुख्य बात ये है कि जो चारधाम यात्रा को लेकर जो यमुनोत्री के कपाट हैं वो 14 मई को जबकि खुल गए थे, गंगोत्री धाम के 15 मई को, केदारनाथ धाम के कपाट 17 को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खोल दिए गए थे। और ऐसे में कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया कि किसी तरह से मान मनोबल का दौर चलता रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलने के चलते फिर सुप्रीम कोर्ट में आज जबकि 7 तारीख को सुनवाई है हाई कोर्ट में, 6 तारीख को एक याचिका दायर कर दी है, और संभवतः उम्मीद ये है कि राज्य सरकार को इसमें राहत भी मिल सकती है। बिल्कुल, राहत की उम्मीद राज्य सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियोटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।